हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी। रूबी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मलाई चॉप की रेसिपी, जो बनाना बहुत आसान है गाइस। इससे पहले भी मैंने एक रसगुल्ले की रेसिपी को अपने चैनल पे शेयर किया है, बिल्कुल वही प्रोसेस है। इसमें बस एक दो स्टेप ज़्यादा है जो मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ, बस ध्यान देने की बात है। और इतना अच्छा, बिल्कुल हलवाइयों जैसी मिठाई बनेगी कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे कि आपने ये मिठाई को घर में बनाया है। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो आप रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे ज़रूर दबाएं, बगल में बेल आइकन में है उसे भी ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। ये देखिए, ये 2 लीटर दूध है जिसे मैंने पहले से ही गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 नींबू का जूस। ये इसे मैं धीरे धीरे डालूँगी और फिर चलाती रहूँगी। ये खुद ब खुद सारा छेना बन के निकल जाएगा, ये देख सकते हैं। इस तरह जो बचे हुए नींबू के जूस है मैं ये सारे डाल दूँगी ताकि अच्छे से छेना निकल जाए। ये देखिए फटना शुरू हो गया, देख सकते हैं बढ़िया से अब ये फट गया है। चलिए अब मैं इसे एक कॉटन कपड़े में छान लूँगी। तो कॉटन कपड़े में इस तरह मैं सारे के सारे डाल दूंगी और ये सारे छेने को मैं 1 से 2 बार धो लूंगी बढ़िया से, ताकि जितना भी नींबू का इसमें जूस हो वो बढ़िया से निकल जाए, थोड़ा सा भी ना रहे। अगर रह गया तो खट्टापन लगेगा तो वो बेकार लगेगा। तो इसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो मैं सारे छेने को कपड़े में अच्छे से बांध लूँगी और जितने भी इसमें पानी हो वो मैं निचोड़ लूँगी इस तरह। इसे बढ़िया से मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि जितना भी पानी एक्स्ट्रा हो वो निकल जाए। तो चलिए अब इधर मैं चाशनी बिठाती हूँ। तो मैंने चढ़ा दिया है एक कढ़ाई में, उसमें ले रही हूँ 200 ग्राम चीनी। 200 ग्राम चीनी में मैंने लिया है 600 ग्राम पानी, यानी 200 ग्राम के मैंने 3 गिलास पानी डाला है इसमें। तो मैं अभी इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दूंगी, तब तक ये चीनी मेल्ट हो जाए। ये देखिए, ये जो छेना है इसका सारा पानी निकल चुका है, ये बहुत बढ़िया ड्राई हो गया है गाइज। तो मैं इसे निकाल लूँगी एक बर्तन में। अब मैं इसे अपने हाथों से मसल लूँगी, बिल्कुल रसगुल्ला वाला ये प्रोसेस है। मैंने रसगुल्ले में जैसे किया था इसे भी उसी तरह करने वाली हूँ, देख सकते हैं। इसे भी बहुत मसल लिया है मैंने। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच मैदा। अब मैं मैदा डाल के इसे फिर से बढ़िया से 5 से 10 मिनट तक मसलूँगी, यानी बहुत बढ़िया सॉफ्ट डो बनाऊँगी इस छेने का। तो ये लीजिए, ये छेने का डो बहुत सॉफ्ट बन के रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें इस तरह के पीसेस बनाऊंगी, ये देख सकते हैं। मैंने तो इस तरह के मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, अगर आपको लेना हो तो आप छोटे बड़े अपने साइज के अनुसार कर सकते हैं। ये देखिए, मैं इस तरह के साइज इसे दे रही हूँ, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा गोल, ये देख सकते हैं। मैं इसी तरह सारे छेने के पीसेस को बना लूँगी। ये देखिए, ये देखिए, मैंने सारे छेना का जो पीस है वो मैंने बना लिया है। तो उधर मेरी चाशनी में उबाल आ गई है, ये देख सकते हैं कितना अच्छा उबाल आ गया है चाशनी में। अब मैं अपने चाशनी में धीरे धीरे ये सारे छेने के पीसेस को डाल रही हूँ और आँच को तेज ही रखना है। और मैं इसे हाई फ्लेम में 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी। 5 मिनट हो गया है गाइज, ये देख सकते हैं ये छेने के पीसेस कितने डबल हो गए हैं। तो हल्के हल्के हाथों से मैं इसे फिर से उलट दूंगी ताकि पीछे की तरफ भी ये बढ़िया से पक जाए। अब मैं इसे फिर से 10 मिनट के लिए ढक दूंगी मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए, मैं पूरा ढक्कन नहीं लगा रही हूँ, थोड़ी सी जगह छोड़ दी हूँ एयर बाहर जाने के लिए। ये देख सकते हैं 10 मिनट हो गया है, कितना अच्छा ये पक गया है गाइज। तो मैं अपने गैस के फ्लेम को कर रही हूँ बंद। अब मैं इस छेने को 1 घंटे के लिए ठंडा है ना होने के लिए छोड़ दूँगी।
ये देख सकते हैं एक घंटा हो गया है, बढ़िया ठंडा हो गया है। मैं एक पीस आपको दिखा रही हूँ उठा के, ये देख सकते हैं कितना अच्छा परफेक्ट बना है ये पीस। तो मैं सारे छेने के पीसेस को एक चलनी में रख दूंगी ताकि जितनी भी चाशनी हो इसके अंदर वो निकल जाए। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए साइड में रख दूंगी। इधर ये देख लीजिए आप गाइस, मैंने लिया है 100 ग्राम खोआ, ये मैंने घर में ही बनाया है। और मैं अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच पीसी हुई चीनी। और ये देखिए ये मैंने फूड कलर लिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस मिठाई को खूबसूरत दिखने के लिए ये मैं कर रही हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए फिर ये देखिए ये 30 मिनट हो गया है, तो इसमें से सारा रस निकल गया है छेने से। अब मैं इस जो छेने के मैं बीचों बीच ये देखिए मैं कट करने वाली हूँ, ये इस तरह के आप चीरा लगा दें। तो बिल्कुल सॉफ्ट मिठाई है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है ये। और ये देख सकते हैं मैं इसमें बीचों बीच ये जो मैंने खोआ बनाया है अभी अभी, तो इसे मैं बीचों बीच डाल रही हूँ, और उतना ही डालिए जितना इसमें आ जाए। तो मैंने तो 2 चम्मच डाला है, ये देख सकते हैं थोड़ी सी मैं इस तरफ भी डाली हूँ, इधर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इधर भी डाल दूँगी। और जितने भी एक्स्ट्रा इसमें खोआ है मैं उसे एक चाकू की सहायता से निकाल लूँगी, बिल्कुल बराबर कर लूँगी। ये देखिए मैंने कर लिया है, अब मैं इसी तरह बाकी के जो छेने के पीस हैं उसे भी तैयार कर लूँगी बीचों बीच कट लगा के। ये देखिए मैंने सारे छेने के पीस को तैयार कर लिया है, मलाई चॉप बना लिया है। अब मैं एक पीस आपको कट करके भी दिखा रही हूँ कि ये कैसा लग रहा है बीच से। वाओ, देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है ना, बिल्कुल बाज़ार जैसा, होटलों जैसे जैसे हलवाई बनाते हैं, बिल्कुल बन गया ना वैसा चीज़। तो मैं अब इसमें पिस्ता से डेकोरेट कर रही हूँ गाइस, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और ये देखिए कुछ पीसेस मैंने अलग भी रखा है, देख सकते हैं ये मिठाई कितनी खूबसूरत है और उतनी ही टेस्टी। तो आप अपने घर में ज़रूर से ज़रूर बनाए, ट्राई करें, और अगर अच्छी लगे ये वीडियो आपको तो मेरी वीडियो को लाइक करें और जी भर के कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।